नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365। मैं हूं आपके साथ दिग्विजय सिंह चौहान। आज की उत्तराखंड की 5 बड़ी खबरें क्या क्या हैं, उन पर नजर डालते हैं। सबसे बड़ी खबर है राहुल गांधी को लेकर। दरअसल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। जोशीमठ के मुद्दे पर राहुल गांधी अगले महीने उत्तराखंड आ सकते हैं। इस खबर से उत्तराखंड की राजनीतिक हलचलें भी तेज हो चली हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हैं। उनकी भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा में उत्तराखंड के कांग्रेस नेताओं का एक डेलीगेशन पहुंचा। उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की और राहुल गांधी से निवेदन किया कि वो उत्तराखंड के जोशीमठ आकर के वहां की स्थितियों को देखें। इस पर राहुल गांधी ने भी अपनी सहमति दे दी है। अगले महीने राहुल गांधी उत्तराखंड के जोशीमठ में आ सकते हैं। साथ ही भारत जोड़ो यात्रा का जो 130वां दिन था वो पूरी तरह से जोशीमठ के नाम भी रहा। 130वें दिन जोशीमठ बचाओ के बैनर लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ खड़े नजर आए। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का यह कहना कि कांग्रेस ये दोहरा चरित्र अपना दिखा रही है। जोशीमठ के मुद्दे पर कांग्रेस राजनीति कर रही है। एक तरफ कांग्रेस का डेलीगेशन मुख्यमंत्री से मिलकर के सुझाव देता है, वहीं दूसरी तरफ भारत जोड़ो यात्रा में जाकर के इसका राजनीतिकरण कर रहा है। अब खबर है जोशीमठ को लेकर। दरअसल जोशीमठ के प्रभावित लोगों के लिए MR इंडिया ने एक बड़ा जिम्मा उठाया है। MR इंडिया कंपनी का यह कहना है कि वो जोशीमठ में प्रभावित लोगों के लिए करीब 100 से 150 फैब्रिकेटेड हाउस बनाएगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इस संबंध में जो कंपनी के CEO हैं, इन्होंने कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात भी की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जोशीमठ के प्रभावित लोगों की हर संभव मदद करना ही सरकार की पहली प्राथमिकता है और MR इंडिया ने यह प्रस्ताव रखा है कि 150 तक फैब्रिकेटेड हाउस जो है प्रभावितों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वो बनाकर देंगे। वहीं अनुसूचित जाति आयोग की सचिव ने उत्तराखंड के सभी जिलों के DM और SSP को ये निर्देश दिए हैं कि अगर जाति के आधार पर किसी को भी मंदिर में जाने से रोका जाता है या फिर मंदिर प्रवेश नहीं करने दिया जाता है, उसके खिलाफ तुरंत मुकदमा दर्ज किया जाए। इसके साथ ही ये भी निर्देश दिए गए हैं कि ऐसी जगहों का चिन्हीकरण भी किया जाए। आपको बता दें कि हालिया मामला है मोरी ब्लॉक में, जहां पर सालरा गांव में एक अनुसूचित जाति के युवक को मंदिर में घुसने पर पीटा गया, उसको जलती लकड़ियों से पीटा गया, इस तरीके के आरोप लगाए गए थे। तो वहीं इसका संज्ञान लेकर के अनुसूचित जाति आयोग जो है उसकी सचिव ने ये निर्देश सभी जिलों के DM और SSPs को दिए हैं कि जाति के आधार पर मंदिर में प्रवेश करने से किसी को रोका जाता है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए, तुरंत मुकदमा दर्ज करवाया जाए। खबर है अब भूकंप से जुड़ी हुई। दरअसल मंगलवार को उत्तराखंड में भूकंप के झटके कई जगहों पर महसूस किए गए। हालांकि किसी भी तरह की कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई, हल्के झटके उत्तराखंड में महसूस किए गए। ये बताया जा रहा है कि नेपाल में भूकंप का केंद्र था। करीब 5.8 रिक्टर स्केल पर पैमाने पर इस भूकंप की तीव्रता मापी गई है, जिसका केंद्र नेपाल में था। लेकिन उत्तराखंड के कई जिलों में हल्के फुल्के झटके महसूस किए गए हैं। कहीं पर कोई भी हताहत नहीं हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा जो टेंशन थी, सबसे ज्यादा जो चिंताएं थी, वो जोशीमठ में लोगों की देखने को मिली, जहां पर जिस तरीके की सिचुएशन, जिस तरीके की स्थिति इस समय बनी हुई है, अगर ऐसी स्थिति में भूकंप का कोई तेज झटका आता है तो वहां पर बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ और हल्के फुल्के झटके ही महसूस किए गए। अब खबर है जमीन से जुड़ी हुई। दरअसल दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के आसपास की जमीनें और इस तरह की जो बड़ी परियोजनाओं की या फिर बड़े हाईवेज की जमीनें हैं, इसके आसपास की जमीनें हैं, इनके रेट अब बढ़ने वाले हैं। दरअसल ये कहा जा सकता है कि इनके रेट आसमान तक छूने वाले हैं। आपको बता दें कि सरकार ने एग्रीकल्चरल, नॉन एग्रीकल्चरल, कमर्शियल और नॉन कमर्शियल के जो रेट हैं, जो दरें हैं, उनको तय किया है। इसका प्रस्ताव अभी बनाया जा रहा है, लेकिन कैबिनेट की स्वीकृति के बाद ये जो नए सर्किल रेट हैं, ये नए सर्किल रेट लागू हो जाएंगे। और ये जो जानकारी मिल रही है, अभी 10 से लेकर 15% तक सर्किल रेट बढ़ सकते हैं। खासतौर पर जो एक्सप्रेसवे हैं, हाईवे हैं, उनके किनारे की जो जगह हैं, वहाँ पर ज़मीनें और भी ज़्यादा महंगी हो सकती हैं। ये 5 बड़ी खबरें थी। आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी खबरों को देखने के लिए संवाद 365 को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।